आगामी 20 व 21 मार्च 23 और 24 मार्च एवं 26 व 27 मार्च को कोविड 19 टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। कुल 6 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी आपस में समन्वय बना सक्रिय रूप से कार्य करते हुए संबंधित प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में एक एक सेंटर बनाकर लोगों का टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। यह बातें उपायुक्त शशि रंजन ने कही। वे आज NIC के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्थानीय मुखियागण से रूबरू थे। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की इस महामारी का सबसे ज्यादा असर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर होता है। ऐसे में सभी प्रखंड वासियों, पदाधिकारी, संबंधित मुखिया से समन्वय बना पंचायत में विकास कर रहे सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि टीकाकरण के लिए पंचायत भवन, स्कूल भवन या किसी बड़े स्थल पर चुनाव करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेंटर पर लोगों के बैठने हेतु पर्याप्त कुर्सियां, पेयजल की व्यवस्था एवं ऑब्जर्वेशन रूम की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेंटर पर कम से कम 100 टीकाकरण हो, इसका ख्याल रखें। उन्होंने इस आंकड़े में बढ़ोतरी लाने पर बल देने की बात कही। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी वीडियो से इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, GSLPS की दीदियों का पूरा सहयोग लेने व बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सबकी सहभागिता एवं टीम वर्क से ही यह अभियान सफल हो पाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अब तक 20,000 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। टीका लेने वाले सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वीडियो से यह बातों का लोगों के बीच प्रचार प्रसार करवाने की बात कही, ताकि लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आंगनबाड़ी सेविका, सेविकाएं, GSLPS की दीदियों का सहयोग लेने की बात कही।